गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदों की लहर बढ़ती दिख रही है। संशोधित आंसर की आपकी 30 नवंबर को आने वाली है और जो आप लोगों ने आपत्तियां दर्ज की थी वह लगभग में सही मानी जा रही है और मीडिया भी इन सब बातों को बढ़ चढ़ के दिखा रही है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, 6 प्रश्न है सबसे अहम, ये आप लोगों ने देखा रहा होगा। तो चलिए हम आपको और आगे बता देते हैं कुछ खबर। बात दरअसल ऐसा होता है, अगर आयोग मानता है कि सभी उत्तर क्या है गलत है तो दूसरी आंसर की आ रही है, इसके बाद निर्णय किया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि सभी गलत क्वेश्चन का आंसर भी आयोग को देना पड़े, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अगर परीक्षाओं में जब आयोग की तरफ से गलती होती है तो उसका जिम्मा भी आयोग ही झेलता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गलत सवालों के जवाब जो आप लोगों ने दिए थे, मतलब जो सवाल ही गलत थे, उसमें उत्तर था ही नहीं, तो उनका नंबर मिलने की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम लोग UPTET बोलते हैं, भाई सभी लोग जानते हैं, 2018 में ऐसे भी प्रश्न पूछे गए जिनका एक भी सही जवाब नहीं, वहीं कई ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके दो दो विकल्प सही हैं। इस कसमकस में अब लोग क्या करें। यही वजह है कि महज 33 घंटे के अंदर 4000 से अधिक अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के साथ आपत्तियां भेजी हैं। परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय ने आपत्तियों को प्रश्नवार अभी छांटा नहीं है, लेकिन अनुमान है कि करीब 2 दर्जन सवालों के जवाब से अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। उनमें 10 से 15 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें अधिकांश ने गलत ठहराया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 नवंबर को हुई, उसकी उत्तर कुंजी 20 नवंबर को जारी होनी थी, लेकिन वह 22 नवंबर को सुबह 9 बजे वेबसाइट पर अपलोड हो सकी। उत्तर कुंजी जारी होते हुए तुरंत हंगामा शुरू हो गया। अभ्यर्थियों ने शुक्रवार शाम 6 बजे तक ताबड़तोड़ आपत्तियां भेजी, इसलिए संख्या बढ़कर के 4000 के पार हो गई। उच्च प्राथमिक के 11 प्रश्नों पर आपत्ति। टीटी में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 परीक्षाएं हुई थी, आप जानते हैं प्राइमरी और जूनियर लेवल की। उनमें से अधिकांश आपत्तियां प्राथमिक स्तर की हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक के भी अभ्यर्थियों ने प्रश्न पुस्तिका सीरीज बी के 11 प्रश्नों पर आपत्तियां की हैं। इसमें प्रश्न संख्या 53, 50 और 69 ऐसे हैं जिनके 2 उत्तर सही हैं। वहीं प्रश्न संख्या 74 ऐसा है जिसका कोई विकल्प सही ही नहीं है। सोशल मीडिया पर छिड़ा है अभियान टीटी की उत्तर कुंजी को लेकर। इस समय सोशल मीडिया पर विवादित प्रश्नों को लेकर मानो अभिमान छिड़ गया है। कई अभ्यर्थी व शिक्षकों ने वीडियो अपलोड करके साक्ष्य सहित आपको प्रूफ भी दिखाया है कि फला प्रश्न का जवाब फला है, जबकि उत्तर में फला दिया गया है। करीब 2 दर्जन प्रश्नों को लेकर कसमकस जारी है। ये 6 प्रश्न है सबसे अहम। पहला प्रश्न आपका है जो आप लोगों ने देखा होगा, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। आप लोगों ने PVR स्टडी की लाइव क्लास में भी देखा होगा, लाइव टेस्ट में ये क्वेश्चन हमने आपको कई टेस्ट में शामिल किया था। इसका सही उत्तर था बिल गेट्स वाहन ने, लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। अगला सवाल आपके सामने जो आ रहा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, बिरहणी व गृहणी दोनों अशुद्ध है। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है, लेकिन करंट अफेयर और करंट पाठ्यक्रम में नहीं है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पखावज व पहिया दोनों उत्तर सही है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत होए, श्लेष स्वरूपक 2 अलंकार सही है। हस्व स्वर नहीं है, ऊ व ओ दोनों उत्तर सही। उत्तर कुंजी के बाद ये अभ्यर्थियों का साक्ष्यों के साथ दावा है। अब आप लोग खुद ही उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बस इंतजार है 30 नवंबर की उस घड़ी का जब आपकी दूसरी आंसर की आएगी, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, अपनी किसी भी समस्या को आप कमेंट कर सकते हैं, जो हो सकेगा हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का टेट क्वालीफाई हो चुके हैं भाई,
वो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी फिर से कर सकते हैं, लग सकते हैं, मतलब कि आपकी अगले स्टेप की परीक्षा के लिए आप लाइव क्लास हर दिन देख सकते हैं। गणित सिखाने की आपको 100% गारंटी, बाकी के सभी सब्जेक्ट भी मिलेंगे, लेकिन हम अदर सब्जेक्ट की गारंटी नहीं लेते हैं। इस क्लास में, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिन जिन लोगों ने पेड किया हुआ है उनको पेड क्लास के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है, और उनकी क्लासें 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 26 नवंबर से आपकी क्लासें शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए और सीटेट के लिए और डीएलएड के लिए, तीन परीक्षा के लिए आपकी क्लास 26 नवंबर से शुरू हो रही है। बाकी की आपकी सभी कक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होंगी, जो कि यूपी पुलिस, आरपीएफ और बीआरएसआई वगैरह वगैरह बहुत सी परीक्षाएं हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू।